एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं मानवित व्लॉगर। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में, अपने अपने कारोबार, अपने अपने सभी काम काज में खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो गाइस, हमेशा की तरह ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। पिछली कोई भी क्लिप मेरे पास बची नहीं है और आज सुबह तभी कोई वीडियो नहीं आई। ये वीडियो करूँगी शाम को अपलोड, और ये सुबह का टाइम है। आज सेकेंड लास्ट एग्ज़ाम है नूर का और राइम्स का, और यहाँ पे टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है लेकिन अभी तक आई नहीं है। ये यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक कर रही थी मैं नूर की, स्कूल के लिए स्कूल ने मंगवाई थी, और जिसका मुझे अभी याद आया कि ये कम्प्लीट पेंटिंग पड़ा हुआ है। और फिर आ गई हूँ मैं नूर को छोड़ के यहाँ पे अपने रूम पे। पता है बीते दिनों, मतलब कल से आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे छत पे वॉइस ओवर करने के लिए, और पीछे हवा इतनी ज़्यादा चल रही है कि पूछो ही मत। और गांव में तो ऐसा होता है, आधी तूफान आना शुरू होता ही है और बिजली का जो काम हो जाता है तमाम, और कल से लाइट गई हुई है। रात को जो इन्वेटर है वो भी लो हो गया था, और पानी तो रात को ही ख़त्म, नहीं पानी सुबह ख़त्म हुआ था। मैं फ्रेश हो गई थी लेकिन जैसे ही बाकियों की बारी आई, और नूर को भी मैंने भेज दिया था, जो है पानी चला गया था। अभी मैं अपने रूम में आई हूँ, इन्वर्टर तो पहले से ही लो है, तो मैं अपने जो है फ़ोन की जो फ्लैश है उसके साथ ही मैं जो बेड सही कर रही थी, क्योंकि चादर की हालत जो है ख़राब हो चुकी थी। बच्चों की वजह से काफ़ी कुछ गिराया था उन्होंने, तो सोचा चेंज कर देती हूँ और साथ ही साथ थोड़ा सा जो है क्लीनिंग कर देती हूँ। इसी के साथ मैंने लगा लिया पहले झाड़ू। पानी तो ख़त्म हो चुका था तो पानी की दिक्कत आने वाली थी। गर्मियाँ जैसे अभी स्टार्ट हो रही है ना, तो यहाँ का यही प्रॉब्लम रहेगी, लाइट ज़्यादा देर। गांव में ना ज़्यादा देर जो है लाइट गायब रहती है, क्योंकि यहाँ पे खेती वेती वगैरह होती रहती है, तो खेतों में आग लगने का गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा डर होता है, जिस वजह से है बिजली गायब रहती है। तो यहाँ पर सुबह का टाइम देखिए माहौल, आप काफ़ी इतना अच्छा वेदर है ना, इतना अच्छा, बस ये बिजली ने काम ख़राब कर दिया है, बाकी मौसम बहुत ही अच्छा है। ये सुबह का है, इस टाइम मेरे को पता कि इस टाइम धूप इतनी ज़्यादा होती है ना, बाहर से नहीं निकाला जाता। और देखिए यहाँ पे मैं आई तो मैं थी ऊपर कुछ काम करने के लिए, लेकिन मैं सोचा चलो इतना अच्छा मौसम है तो इसे कैप्चर कर लेना चाहिए, और सीधे चलते हैं आप अपना सुबह का खाना बनाने के लिए। नूर को मैंने उसी वक्त पराठा वगैरह बना के पैक करके दे दिया था, जो कि वो खाएगी नहीं, क्योंकि 10:30 बजे उसका स्कूल ऑफ हो जाता है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए वो घर आके खाएगी। लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए देना पड़ता है, कभी पेपर जल्दी ख़त्म हो जाए तो बच्चे क्या देखते रहेंगे। तो मैम उनकी बोलती कि आप खाना खा लो अगर लेके आए हो तो मैं दे देती हूँ। मेरे को पता होता उसने नहीं खाना, फिर भी दे देती हूँ। यहाँ पर मैंने काटी है तोरी, हिंदी में पता नहीं कुछ और बोलते हैं, पता नहीं पंजाबी में तो तोरी बोलते हैं, काली तोरी बोलते हैं इसको। इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी मैं सुबह के। और पानी ख़त्म हो चुका था और मैं भी फिनिश हो चुका था, और यहाँ से कोई पानी का इंतज़ाम किया उस पड़ोस से खाना बनाने के लिए, एटलीस्ट खाना तो खाना ही है। तो फटाफट से अभी लेके आई मम्मी का पानी, तो यहाँ मैं खाना बना रही हूँ अभी। यहाँ पर ले लिया मैंने मस्टर्ड ऑयल और लगा दूँगी तड़का सब्ज़ी को, और फिर बाद में रोटियां बना लूँगी आटा लगा के। और बेटी तो जा चुकी है स्कूल में, और मेरे को बनाते बनाते इतना टाइम हो गया था, क्योंकि लेट ही स्टार्ट किया था, इतना टाइम हो गया था कि बेटी आ चुकी थी जब खाना बना, तो वो पेपर दे के अपना आ गई थी। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्याज और लहसुन डाल दिया है। यहाँ पे भी प्याज और लहसुन, सूखी सब्ज़ी में थोड़ा कच्चा कच्चा सा ही रहने देती हूँ, फिर अलग से अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यह मतलब जो ग्रेवी वाली चीज़ें होती हैं ना, उसमें थोड़ा सा प्याज ज़्यादा ब्राउन करना होता है, अच्छी तरह से जो मसाला है सब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, इतना बनाना होता है। लेकिन जो सूखी सब्ज़ी होती है उसमें थोड़ा सा कच्चा चलता है, क्योंकि उससे थोड़ा टेस्ट इन्हेंस होता है। तो यहाँ पे सभी मैं डाल दूँगी, अभी लहसुन डाल दिया, प्याज डाल दिया, और एक प्याज मैं एक्स्ट्रा से तोरी में ही काट दूँगी, वो नहीं, वो मैं तड़के में नहीं डालूँगी। यहाँ पर टमाटर डाल दिए, और हरी मिर्च डालने का अगेन मेरे को याद भूल गया, वो मैं डालूँगी लास्ट में। और फिर जो बेसिक से मसाले हैं, हल्दी मिर्च मसाला सब कुछ डाल दूँगी, और उसमें डाल दूँगी सब्ज़ी, और पानी थोड़ा सा जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में खाना पसंद करते हैं सभी घर वाले, एकदम से सूखी पसंद नहीं करते हैं। तो गाइस, आज फिर से मैं भूल गई कि चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो ज़रा सा भी कुछ भी पार्ट आपको अच्छा लगे तो उसकी जरूरत आप लाइक कर देना और प्यार से कमेंट कर देना।
चलो करो या ना करो, आप कहना तो मेरा फ़र्ज़ है एज अ यूट्यूबर। चलो अभी सब्जी मेरी मैंने लगा दी है बनने के लिए, और इसके साथ ही हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ के साथ आपको हवा की आवाज़ आ रही हो शमशान की, उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ऊपर छत पे बैठी ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और साथ में सिर्फ सब्जी बन रही है और साथ में मैं आटा लगाना स्टार्ट कर दूँगी। तो गाइस अगेन चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और ट्राइपॉड स्टैंड मेरा इतना खास अच्छा ठीक हुआ नहीं, क्योंकि एक होता ना रिपेयर करने वाली चीज़ होती है तो वो हो जाती है, लेकिन जो चीज़ ख़राब ही हो चुकी है उसको चेंज करने की कंडीशन में आ गई है तो उसको चेंज करना ही हल है। और उसका पेच है जो ना, उसके पेच होते हैं गोल गोल, उससे पेच जो है अच्छी तरह से मिल जाता है ना, वो ख़राब हो चुका है तो उसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं कब होगा, फ़िलहाल मेरा काम चल रहा है। यहाँ पे सब्ज़ी डाल दिया, मिर्च लास्ट में डालूँगी और इसको बने दूँगी, पानी थोड़ा सा डालूँगी और जो अपने पानी से इसकी फ्रेश है तोरियाँ तो ये अपना भी पानी छोड़ेंगे थोड़ा सा, तो फिर बन जाएंगी। और हर एक औरत का ये दुख है आटा गूंदना, मेरा भी यही है गाइस। आटा गूंदना सबसे ही घटिया वाली ड्यूटी मेरे को लगती है, आटा गूंदना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरे को पता है कि 80% औरतों को लड़कियों को आटा गूंदना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरा यहाँ पे दिल कर रहा है कि मैं कैमरा ऑफ ही कर दूँ, यार इसका क्या दिखाना है ये घटिया काम, लेकिन क्या करना भाई, ये तो करना पड़ता ही है, खाना जो खाना है और घर वालों को भी खिलाना है। तो यहाँ पर मैं कैमरा ऑफ करने जा रही हूँ अभी, तो आपको डायरेक्ट तभी दिखाऊँगी जब मेरा पूरा आटा गूंद जाएगा। तो गाइस बस यहाँ पे अभी के टाइम बारिश जो अंधेरा हो क्या बोलते हैं आंधी वगैरह चल रही थी तो बारिश हो रही थी बाहर, तो वो मैंने सोचा कैप्चर करूँगी लेकिन नहीं की, क्योंकि आटा मेरा लग गया एकदम से और ये सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। और सब्ज़ी इतनी पीली नहीं है, ये फ्लैश की वजह से लग रही है। और यहाँ पर चपातियाँ भी हो गई मेरी रेडी, और अभी मैं बना ही रही थी तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो हस्बैंड को लग गई थी ज़्यादा भूख और उन्होंने वेट नहीं किया कि कब मैं नीचे खाना लेके आऊँ, तो वो ऊपर ही आ गए थे खाना। ये मेरे सरदार जी खा रहे हैं अभी खाना, इनके खाना खाते खाते ही नूर आ गई स्कूल से, तो वो भी साथ में खा रही थी और इसने ना सुबह खाया ना अपना टिफ़िन वाला खाया, और पापा के साथ खा रही है। एंड अपना रिएक्शन इसने बताना होता है कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो अभी सभी काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी नीचे, और नीचे मस्ती के मूड में था बेटा, तो वो खेल रहा था मेरे पैरों के साथ, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी ये भी क्लिप ले लेते हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलूँगी आपको अगले व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताना, और कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो 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 मच, बाय बाय।